आपको हम जय सिया राम जी कह रहे हैं, अर्थात हमारी आत्मा आपकी आत्मा को प्रणाम करती है। ठीक है जी, अब हम लोग सतयुग दर्शन वसुंधरा में एंटर करेंगे, लेकिन इसके लिए एक थोड़ा सा आपको एक भूमिका बता दे कि सतयुग दर्शन वसुंधरा ही इसे क्यों कहा गया। कि सतयुग का मतलब सत्य का युग, आने वाला युग जो है सत्य का युग है, उसी का दर्शन आपको कराया जाएगा। सत्य साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र है। साडा पंजाबी का वर्ड है, लेकिन सबको मालूम है हमारा मित्र, सज्जन भला आदमी, मित्र कौन है? राम। राम मतलब जो सब में रम रहा है। और अज्ञानी का सत्य स्वरूप तू दर्पण है, कि सारी सृष्टि सतयुग दर्शन वसुंधरा के अर्पण है। और यहाँ हम लोग आगे चलेंगे ईश्वर को कैसे, ईश्वर हमारे अंदर है, हमें बाहर किसी चीज को नहीं देखना है, हम अपना अवलोकन करते जाएंगे कि हमारे ये सात द्वार हैं, सात द्वार हमें वहां मिलने का रास्ता बताते हैं, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म। तो हमने भी आए तो मैं अधीर नहीं होऊंगा, और बहुत अच्छी आ गई तो मैं बहुत उछलूंगा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा घमंड भी नहीं करना, मुझे हर परिस्थिति में जीवन की ऊंच नीच में धैर्यवान बने रहना है। अब हम आत्मनिरीक्षण भी करते चलते हैं कि हमारे में ये कितना है और कितना हमें चाहिए ईश्वर की तरफ जाने के लिए। ये गुण अपनाने, ये द्वार अपनाने हमारे लिए जरूरी है। फिर है सच्चाई। सच्चाई का मतलब है कि हर छल कपट झूठ चतुराई कुछ भी हमको नहीं देखना, हमें अपने सत्य पथ पर धर्म संगत चलते रहना है। कोई क्या कर रहा है मुझे इससे नहीं, मेरा मार्ग सत्य का है, सत्य मुझे नहीं छोड़ना है अगर मैं ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। इसके बाद है धर्म। धर्म का अर्थ है कि मानव धर्म, पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं है कि ये धर्म अपनाए या ये धर्म अपनाए, लेकिन मानव धर्म जरूर अपनाए। ऐसा मानना कि ये मनुष्य भी मेरे जैसा है, जो उसकी किस्मत है वो चाहे कैसा भी है, उसकी हैसियत कैसी है, लेकिन मेरे मन में क्या है, मेरे चित्त की अवस्था सबके लिए समान है, मैं सम दृष्टि सबके प्रति रखूंगा। इसके पश्चात है निष्काम। हर काम को कामना रहित होके करना। किस लिए करना है? कि मेरा फर्ज है बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पड़ोसी के लिए, करना हमको परोपकार है। प्राणी जगत की निष्कामता से सेवा करने की शपथ मैं लेता हूँ। आगे आपको प्रियंका जी बताएंगी। आपकी एनर्जी जो है ना, देख के बड़ा अच्छा लगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया ये सेवन गेट्स के बारे में। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल के वो उस तरफ शू रैक है, तो वहाँ पर हम एक बार शूज आप रिमूव कर दें सारे। ध्वनि का सृजक है प्राइमोडियल साउंड, जो ध्वनि 24 घंटे इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है। जब आपने सुना होगा कभी शंख की ध्वनि, तो जब वो बजता है कितनी प्योर वाइब्रेशंस आती हैं, है ना, तो हम उसको जब परसीव करते हैं वो कितनी प्योरिटी होती है उसके अंदर, तो वो हमें उसी प्योरिटी को अटेन करने की प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद आगे क्या है, चक्र। चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक टूल है किसका, दुष्टों का विनाशी मेट और द प्योरेस्ट स्टेट रहा है, वो वाटर का कलर होता है। एज वी नो वाटर क्या होता है, ऑलवेज शांत होता है ना, ठीक है, तो हमें भी वैसी ही शांति निर्मलता अपने अंदर लानी है, तो हमें वो अटेन करने की वो प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, स्काई ब्लू कलर, आसमानी रंग, वो बता रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, असीमता को, राइट मतलब जैसे एकांत स्थान को, असीमता को, तो वो एक्चुअली क्या होता है, जब हम उस प्योरेस्ट स्टेट को अटेन कर लेते हैं तो हमारा जो ये ख्याल है ना वो असीम हो जाता है, तो वो उस आकाशो आकाश पहुंच जाता है। उसका मतलब वो कैसे पहुंच सकता है, वही आपको ये ध्यान कक्ष बताने वाला है।
कहा जाता है कि ये जो ध्यान कक्ष में मतलब ये जो इसका पूरा का पूरा ये फाउंडेशन है जो हम कहें यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे को ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये इस प्लेस के थ्रू ये व्यवस्था बनाई गई कि जिससे हमारी जो अंतर्निहित आत्मिक शक्तियां हैं वो एनलाइटन हो जाती हैं। और यही ऑब्जेक्टिव है ध्यान का, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो भी मानव जाति की जो आज कंडीशन है इतनी डिवास्टेशन हो चुकी है तो उससे वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है उसी के लिए इस ध्यान कक्ष है ना। तो ये जो हमारे अंदर निहित है मतलब जो आत्मा है आर सोल वो तो प्योर होता है, तो उससे क्या रिलीज होती है, उससे रिलीज होती है प्रकाश है ना। ॐ नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद निधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद निधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार ना। मनुष्य जो है वो संसार की इसी मतलब जो सुंदरता है अगर उसी को ही सब मान लेता है उसी में ही भटक जाता है फंस जाता है तो वो मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, फिर उसको फिर जन्म लेना पड़ता है, यानी कि ही और शी गेट्स ट्रैप्ड इनटू दैट वीशियस वेब ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, वो वीशियस साइकिल में फंस जाता है। लेकिन जो उसके यथार्थ को समझ लेता है फिर वो इससे ऊपर उठ जाता है और अपना जीवन बना लेता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आ रहे आ रहे, नहीं मैं सब समझ रही हूँ। दर्शन यानी कि मतलब जो हम देख रहे हैं जो मैं देख रहा है साक्षात्कार, और वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहाँ से सतयुग की आत्म संस्कृति का दर्शन कराया जाता है, तो मतलब देयर इज अ लॉजिक इन इट, मतलब जस्ट लाइक वी डू आर स्टडी ना, जो हमारी मेटीरियलिस्टिक पढ़ाई होती है भौतिक ज्ञान होता है, तो उसी तरीके से ये भी एक कुदरती साइंस है, तो अगर हम इसको जान लेते हैं तो हम कह सकते हैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, है ना। साइंटिस्ट क्या करते हैं वो इस कुल दुनिया की नॉलेज को वो कर लेते हैं, बट हमें अपनी नॉलेज नहीं होती, तो इट इज ऑल अबाउट जो पूरा का पूरा जो ये ऑब्जेक्टिव है ध्यान कक्ष को बनाने का उसको ये एक्सप्लेन करेगा, तो एक बार इसको प्ले कर देंगे फटाफट से। संभाव समदृष्टि के स्कूल को खोलने का उद्देश्य सभी सज्जनों को जय सीताराम जी। सज्जनों, किसी भी व्यक्ति जाति समाज देश व विश्व की हालत को गौर से देखो, स्वार्थ परता अहंकार और मनमत की प्रधानता के कारण व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक धार्मिक नैतिक राजनीतिक व आर्थिक सभी स्तरों पर आज विषमता का तांडव अबाध गति से चल रहा है। भले ही भौतिक ज्ञान विज्ञान के विकास ने जगत के कई अज्ञात रहस्यों को प्रकट कर दिया है और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर कई ऐसे साधन आविष्कृत कर दिए हैं जिनसे बाह्य इंद्रियों की शक्ति को
कॉन्शियसनेस है तो ब्रह्म वो है जो हम यहाँ बात कर रहे हैं।